मार रही है। अच्छा, इस वक्त मैं लियारी आई हुई हूँ, झटपट मार्केट का ये इलाका है और मेरे साथ अम्मा मौजूद है। अम्मा यहाँ पर जो है भजिया, डबल रोटी, पकोड़े वगैरह जो है ये बेचती है। अम्मा बताइए, क्या कहेंगी आप मुझसे गिले शिकवे कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई, अब बताएं क्या बोलना चाहती है? आजा बेटा मैं क्या बोलूँ, ये महंगाई खत्म करे और बिजली दे, आटा चीनी सब हर चीज, हर चीज कहाँ 30 रुपये किलो आलू, वहाँ 100 रुपये किलो, कहाँ 100 रुपये किलो गैस, वहाँ 300 रुपये किलो गैस। अभी ये महंगाई के वजह से आवाम अपने आप को मार रही है, खुदकशी कर रही है। गुजारा कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है गुजारा। पेट का करो तो बच्चों का नहीं होता है, बच्चों का करो तो बिजली का बिल ठोक के आ जाता है। इंसान जावे तो कहाँ जावे, गैस उस गैस तो जब लोग लॉकडाउन हुआ है ना तब से गैस तो है ही नहीं। तो अम्मा अच्छा ये बताएं, लियारी वाले अक्सर ये शिकायत करते हैं कि लाइट नहीं होती है घर में, बिजली नहीं होती है। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिजली तो है ही नहीं मारी माँ। रोटी है ना अम्मा, रोटी नहीं दी। तो लाइट कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है? सुबह 6 बजे जाती है, 11 बजे आती है, 11 बजे आती है, 1 बजे जाएंगी, 4:30 बजे आएंगी, 4:30 बजे आके 5:30 बजे वरी जाएंगी, वरी रात को 8:30 बजे आएंगी, 10:30 बजे जाएंगी। समझ के लाइट तो है ही नहीं, 2:30 बजे जाती है तो 5 बजे आती है, लाइट है ही नहीं। सारे दिन में 2 या 2.5 घंटे लाइट है। तो पानी वगैरह का क्या करें? तो क्या करें, भरते टंकी से पानी भर भर के बच्चों का गुजारा करते हैं। बिल देखो तो 40,000, 20,000, 30,000। जाओ वहाँ पे जाओ शिकायत करने, ये आपका कुंडा है भाई, कुंडा है तो आप सर्वे करो, सर्वे करने आते बस आपका कुंडा है। कुंडा तो कुंडा भी क्या इलेक्ट्रिक वाले ही लगाते हैं? हाँ, वही सारा दिमाग वही देखते, वही लगाते हैं, वही करके जाते हैं काला मुंह, अपना जेब भरते हैं, अपना जेब भरते हैं और जाते हैं। भैया किस्त करो 40,000 का, अगर पूरा भी 3,000 बकाया रह गया तो आके डायरेक्ट 50,000 का भेज देंगे भाई, हमने पूरा किस्त पैकेज किया। तो अम्मा यहाँ तो अच्छे अच्छे तनख्वाह वाले भी जो है गुजारा नहीं कर पा रहे, ये ऐसे मैं क्या करूँ, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है मेरा बच्चा, ये मजबूरी नहीं ना, तो किसी को शौक नहीं होता है कि ये गर्म एक ऊपर से अल्लाह की गर्मी, नीचे से इसकी गर्मी, किसी को शौक नहीं होता है मारा माँ कि हम लोग ऐसे बैठे और अपने आप को अजियत में डाले। सही बात है। मेरी जिंदगी निकल गई, इसके पीछे जिंदगी निकल गई। नहीं वो तो है बचपन से। नहीं नहीं, मैं भी आपको जानती हूँ, अक्सर गुजरती हूँ तो आपको देखती हूँ। क्या वाल जो है 400-350 ऐसे महंगाई से एटमी मिसाइल हम पर गिरा दे, जानी छोट जा रहे महंगाई से, जान हम तो तंग आ गए। आटा कितने 300 रुपए का था 5 किलो, अभी इतना सारा तेल आया कहाँ गया? यानी रोज के मरने से एक दफा मरना ही बेहतर है। ऊपर चढ़े हम लोग के ऊपर मिसाइल फेंके, ना हम लोग होवे ना गवर्नमेंट को परेशान है। अगर हम कमाते तो बच्चों को दे दो, खुद दे दो, बच्चे से नहीं परेशान। यानी ये सूरत हाल है, ये सिर्फ लियारी की कहानी नहीं है, सब ये पूरे शहर की, पूरे मुल्क की ये सूरत हाल है कि अच्छी तनख्वाह वाले भी जो है इस वक्त गुजारा नहीं कर पा रहे। ये तो अम्मा फिर जो है वो पकोड़े, डबल रोटी और ये भजिया वगैरह बेचती है, नहीं होता तो बिल्कुल गुजारा वाकई। मैं भी यही सोच रही हूँ, यहाँ मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि गुजारा तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात नहीं होता है माँ।